केवी रिजर्वेशन, केंद्रीय विद्यालयों में 75% सीटें आरक्षित, कब कहां कितने छात्रों को कोटे से मिला एडमिशन, देखिए पूरी लिस्ट। रिजर्वेशन इन केवीएस एडमिशन प्रोसेस, केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन के लिए 75% सीटें आरक्षित होती हैं। क्या है केवीएस एडमिशन रिजर्वेशन का फॉर्मूला, किस साल, कहां, कितनी सीटों पर कोटे से एडमिशन दिया गया, हर डिटेल इस वीडियो में दी गई है। केवीएस एडमिशन रिजर्वेशन रूल, अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन, केंद्रीय विद्यालय एडमिशन दिलाना अधिकांश अभिभावकों का सपना होता है। पूरे देश में हर साल लाखों पेरेंट्स इसके लिए कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हीं चोटी का जोर लगाने के बाद इनमें से कुछ का ही सपना साकार हो पाता है। इसका एक बड़ा कारण है इन स्कूलों में मिलने वाला आरक्षण। क्या आप जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन के लिए 75% सीटें आरक्षित होती हैं? केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस, केवीएस द्वारा संचालित इन स्कूलों में आरक्षण का फॉर्मूला केवीएस रिजर्वेशन क्या है? बीते 7 वर्षों में कहां कितनी सीटों पर कोटे के तहत एडमिशन हुए, इसका पूरा आंकड़ा शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। पूरी लिस्ट आगे दी गई है। केवीएस द्वारा केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2022 का नोटिफिकेशन केवीएस एडमिशन 2022 जारी किया जाएगा, लेकिन उससे पहले जान लें कि केवी में एडमिशन के लिए आरक्षण के नियम क्या हैं। केवीएस दिल्ली लाइव ने पिछले कुछ वर्षों में रिजर्वेशन से भारत के केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों के आंकड़ों पर एक नज़र डाली है और पता लगाया है कि यह सिस्टम कैसे काम करता है। कोटा के तहत एडमिशन, केंद्रीय विद्यालयों में हर साल बच्चों के एडमिशन के लिए तमाम तरह के कोटा यानी रिजर्वेशन होते हैं। शिक्षा मंत्रालय एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा लोकसभा में दिए गए आंकड़ों के अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में कुल 1.75 लाख छात्रों को देश के विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों में कोटा सिस्टम से एडमिशन मिला, जबकि 2020-21 के आंकड़ों को देखें तो यह संख्या 1.95 लाख थी। फिलहाल देश के तमाम केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या लगभग 13 लाख है। चार्ट 1, ईयर वाइज कोटा एडमिशंस इन केवीएस। नियरली 2 लाख एडमिशंस टेक प्लेस अंडर स्पेशल कोटाज इन केवीएस। ईयर वाइज कोटा एडमिशंस इन केवीएस। सांसदों के लिए केंद्रीय विद्यालय का कोटा कैसे काम करता है, यह बहस उस वक्त शुरू हुई जब चर्चा हुई कि केंद्र सरकार सांसद कोटे एमपी कोटा इन केवी एडमिशन को खत्म करने की योजना बना रही है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार हर सांसद के पास प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश के लिए अधिकतम 10 छात्रों की सिफारिश का कोटा होता है। बस शर्त इतनी है कि ये छात्र सांसद के निर्वाचन क्षेत्र के होने चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उस सांसद के निर्वाचन क्षेत्र में कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है तो वह सांसद अपने पड़ोस के निर्वाचन क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालय में उन छात्रों को रेफर करने का विकल्प चुन सकता है। राज्यसभा सांसद जिस राज्य से चुनकर आए हैं वह उस राज्य के किसी भी छात्र को केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए भेज सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारा कोटा केवल सांसदों तक ही सीमित है, इसके और भी मानदंड हैं। केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और उनके बच्चों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भी कुछ कोटा उपलब्ध है। स्टेट वाइज केंद्रीय विद्यालय लिस्ट, किस राज्य में कितने केंद्रीय विद्यालय। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस वक्त देश में कुल 1245 केंद्रीय विद्यालय चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 104 केंद्रीय विद्यालय केवीएस इन उत्तर प्रदेश हैं। इसके बाद नंबर मध्य प्रदेश का आता है जहां 95 केंद्रीय विद्यालय केवीएस इन एमपी हैं। राजस्थान में 68 केंद्रीय विद्यालय केवीएस इन राजस्थान हैं। 50 से ज्यादा केंद्रीय विद्यालय वाले राज्यों में महाराष्ट्र 59, पश्चिम बंगाल 58, असम 55 और ओडिशा 53 शामिल हैं। असम को छोड़कर बाकी के 7 पूर्वोत्तर राज्यों में 47 केंद्रीय विद्यालय हैं, जबकि नए बने लद्दाख को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में कम से कम 1 केंद्रीय विद्यालय जरूर है। देश की राजधानी दिल्ली में 41 केंद्रीय विद्यालय केवीएस इन दिल्ली हैं, जो संख्या के हिसाब से दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु के बराबर है। चार्ट 2, स्टेट वाइज केवीएस इन इंडिया। उत्तर प्रदेश हैज मोस्ट केवीएस अमंग स्टेट्स। स्टेट वाइज केवीएस इन इंडिया, 40 छात्रों की क्लास में सीटों का आरक्षण। केंद्रीय विद्यालय संगठन केवी संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 40 छात्रों की एक क्लास में 30 आरक्षित सीटें और 10 सामान्य सीटें होती हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि 10 सामान्य सीटें और शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई कोटे केवीआरटीई कोटा के तहत प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए 25% 10 सीटें आरक्षित हैं। चार्ट 3, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स। एमपी कोटा एडमिशन्स अ गिवन बियॉन्ड क्लास कैपेसिटी।
रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, SC/ST रिजर्वेशन इन KV में SC/ST आरक्षण। इसके अलावा अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के छात्रों के लिए क्रमशः 6 और 3 सीटें आरक्षित हैं। साथ ही 11 सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के छात्रों के लिए आरक्षित हैं। बची हुई 10 सीटें सामान्य छात्रों के लिए हैं, जो केंद्रीय विद्यालय की रिपोर्ट के अनुसार किसी भी आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत नहीं आती हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पिछले 7 वर्षों में कुल 12 लाख से अधिक छात्रों ने रिजर्वेशन का लाभ उठाया है। इस दौरान किसी भी शैक्षणिक वर्ष के लिए रिजर्वेशन के माध्यम से एडमिशन लेने वाले छात्रों की संख्या 1.7 लाख से कम नहीं हुई। जब देश में कोरोना महामारी कोरोना वायरस अपने चरम पर थी, उस वक्त भी यानी 2019-20 और 2020-21 में भारत के तमाम केंद्रीय विद्यालयों में ज्यादातर स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया। 7 फरवरी 2022 को देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह आंकड़े लोकसभा में प्रस्तुत किए थे।